नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के संभाग जबलपुर से। गोलीकांड के विरोध में बंद रहा बाजार, गुस्साए व्यापारियों ने घेर लिया थाना। जबलपुर के बरेला में खुलेआम गोली चलने के बाद दहशत का माहौल बन गया। इस वारदात के बाद नगरवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बरेला थाने का घेराव कर दिया। लोक कुख्यात अपराधी अज्जू पटेल द्वारा ज्वेलरी की दुकान में खुलेआम गोली चलाए जाने की घटना से बेहद आक्रोशित थे। पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत कर उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि बिना किसी विवाद के अज्जू पटेल ने अवैध वसूली के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। इधर पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। गौरतलब है कि आरोपी ने यहाँ ज्वेलर से अपनी पिस्तौल से फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया था। इस वारदात के बाद सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब अगर आपने 4-6 लाख पटक के सुताई में किसी नहीं आती तो मतलब आप देखिए, हम आपको लगता है आप यहाँ पे बहुत बढ़िया आदमी हो। हमारे टीआई साहब तमाम साहब गंदे आदमी नहीं है, हमारा टीआई सीधा आदमी। के मामले में संदेही है अज्जू पटेल निवासी बलवारा का। साल सोनी जी की दुकान है यहाँ पे नेहा ज्वेलर्स के नाम पे। कल 8:15 बजे करीब उनकी पत्नी बैठी हुई थी यहाँ दुकान में। वो अपने एक साथी के साथ में मोटरसाइकिल से आया और फायर करके चला गया। नामा भी बताया, गालियाँ भी दिया उसने और चला गया। और हमारी टीम लगातार लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार लगी हुई है। उनके परिवार वालों से, साथीदारानों से जो है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ लेंगे। करके उसने फायरिंग की, हमारे यहाँ का जो कांच का डोर है वो टूट गया और बोल के गया कि मैं अज्जू पटेल, बता देना मैं अज्जू पटेल हूँ। ना उससे कोई जान पहचान है, ना उससे कोई लेन देन है, सिर्फ वह अवैध वसूली के चक्कर में बरेला में आए दिन टेरर फैला रहा है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो सारे व्यापारी लोग अनिश्चितकालीन बरेला बंद रखेंगे। नाम? मैं विशाल सोनी, व्यापारी संघ का कोषाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट।